आज की जो रेसिपी है इतनी टेस्टी लगती है और साथ में बहुत ही कम सामान में बन के तैयार हो जाती है और साथ में इतनी अच्छी लगती है खाने में कि जब आप इसे बनाओगे तो बार बार बनाओगे, इतना अच्छा लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए फिर इसे बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए हम एक कटोरी चावल लेंगे, आप देख सकते हो। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं। तो चलिए फिर इस बर्तन में हम चावल ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देखेंगे कि हमने एक बर्तन ले लिया है, अब हम इसमें चावल ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चावल के साथ हम ऐड करेंगे एक कटोरी चना दाल। तो आप देखेंगे कि हम इसमें एक कटोरी चना दाल भी ऐड कर दे रहे हैं। दोनों बराबर मात्रा में लेना है। अगर एक कटोरी चावल ले रहे हैं तो आप एक कटोरी चना दाल ले लें। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और रात भर भिगो के छोड़ देंगे। रात भर में अच्छे तरीके से फूल के रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर इसे ढक के हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं। यह नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप सुबह या शाम किसी भी टाइम इस नाश्ते को बना के खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। रात भर में फूल के अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है चावल और चना दाल। इसको अच्छे तरीके से हम दो तीन बार अच्छे से धो लेंगे। तो चलिए फिर इस चावल चना दाल को हम धो लेते हैं। आप देख सकते हो हमने इसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक मिक्सी के जार में इस चावल और चना दाल को ऐड करेंगे। आप देख सकते हो हमने मिक्सी के जार में चावल और चना दाल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो चलिए फिर इसमें हम आधा ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। पानी डाल के मिक्सी के जार को बंद कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। इसका फाइन पेस्ट तैयार करना है, थोड़ा भी दरदरा नहीं रहना चाहिए। आपको इस चावल चना दाल को अच्छे तरीके से पीस के तैयार कर लेना है। चावल और चना दाल अच्छे तरीके से पीस के रेडी हो चुका है। चलिए आपको हम मिक्सी के जार का ढक्कन हटा के दिखलाते हैं। आप देखेंगे कि कितना अच्छा से ये पीस के रेडी हो चुका है। अब इस बैटर को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए फिर इसमें हम इस चना दाल और चावल वाले बैटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमने इस बैटर को डाल दिया है। आपको मैं कलछी में लेके दिखलाती हूँ कि इसका बैटर कितना पतला रहता है, आप देख सकते हो। अब हम इस बैटर में ऐड करेंगे एक प्याज को हमने बारीक काट लिया था, वो प्याज हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। आप देख सकते हो बारीक कटा हुआ प्याज हमने इस बैटर में ऐड कर दिया है। प्याज डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में ऐड करेंगे दो तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं। तो चलिए फिर इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। आप देख सकते हो अजवाइन हमने ऐड कर दिया है। अजवाइन के साथ साथ ऐड करेंगे दो तीन चुटकी हल्दी पाउडर और दो तीन चुटकी लाल मिर्च पाउडर। आप देख सकते हो हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हमने ऐड कर दिया है। अब इस बैटर को अच्छे तरीके से हम कलछी की मदद से मिक्स कर लेंगे। जब यह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम नाश्ता इसका तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर नाश्ता बना लेते हैं हम चना दाल चावल वाला। इधर हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। पैन अब अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें हम एक छोटा चम्मच तेल ऐड कर देंगे। आप देखेंगे कि हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल डाल के इसको स्प्रेड कर देंगे और जब यह गर्म हो जाएगा तब हम इस पर यह बैटर डालेंगे। तो चलिए फिर इस पर आपको हम बैटर डाल के दिखलाते हैं कि किस तरह से यह चना चावल दाल वाला चीला बनता है। आपको हम दिखला देते हैं कि ये चीला किस तरह से बनाया जाता है। आप देख सकते हो किस तरह से हमने इस पर थोड़ा सा बैटर डाला और चारों तरफ से इसको हल्के हाथों से फैला देना है। आप देख सकते हो किस तरह से हम इसको बना रहे हैं, उसी तरह से आपको बना लेना है। यह बनाना जितना ही आसान है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हो एक तरफ से हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा तेल डाल देंगे। आप देख सकते हो एक तरफ से होने के बाद हम इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। आप इस चना दाल वाले नाश्ते को
चटनी सॉस किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, इतना अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि इस चना दाल वाले चीले को हमने दूसरी तरफ पलट लिया है और इसको दबा दबा के इस तरह से सेक लेंगे। जब ये हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो अब ये चना दाल चावल वाला चीला बन के रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस नाश्ते को आप बहुत ही पसंद करेंगे। आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। हमने फिर से बैटर डाल दिया है, आपको हम उसी तरह से इसको फिर से बना लेना है। सारे चना दाल और चावल वाले चीले को बना के इसी तरह से तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो हमने इसको अच्छे तरीके से फैला दिया है। अब इसके ऊपर से फिर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और जब ये एक तरफ हो जाएगा तब हम इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएं। तो चलिए फिर इसे दूसरी तरफ से हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे तरीके से सेक लेंगे। अब ये चना दाल और चावल वाला चीला बन के तैयार है खाने के लिए। आप लोग एक बार इस तरह से चना दाल और चावल वाला चीला बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।